जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंगेस्ट, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन एंटायर यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के इस क्षेत्र के बारे में। ये क्षेत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जितनी बेहतर स्थिति में होता है आपके जीवन में उतने ही बेहतर फलाफल देने का कार्य करता है। कैसे जाने इसके बारे में, इसकी रूपरेखा किस प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहले आप समझ लें कि आपकी हथेली में सारे पर्वत क्षेत्र मौजूद होते हैं, सारी मुख्य रेखाएं मौजूद होती हैं और जो भी अच्छे बुरे सिंबल्स होते हैं सब मौजूद होते हैं। उनकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन में उतार चढ़ाव जैसी चीज़ें आती हैं। दोनों हथेली को देखकर इनके बारे में आप काफ़ी बेहतर तरीके से जान सकते हैं सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर। आज हम बात कर रहे हैं राहु के इस क्षेत्र की, जो कि बिल्कुल मध्य का क्षेत्र कवर करके यहाँ पर विराजमान होते हैं। ये क्षेत्र जिस भी व्यक्ति का जितना ज़्यादा दबा हुआ हो, यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, एक बेहतर स्थिति को दिखाने का कार्य करता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो भी मुख्य ग्रह हैं इसके आसपास मौजूद हैं, चारों तरफ से इसे घिरे हुए हैं और जितनी ज़्यादा यहाँ की गहराई होती है समायोजन उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सारे ग्रहों का यहाँ पे हो पाता है। आप गौर करते होंगे कि जब भी आप भगवान को तिलक करते हैं या खुद भी तिलक लगाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इस क्षेत्र में ही आप चंदन का लेप करते हैं या जो भी शुभ कार्य होता है यहाँ से उसे शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस क्षेत्र जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती है और जीवन में सफलता उत्साह की स्थिति आपके साथ बनी रहती है। इसके अलावा राहु एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत क्षेत्र है और एक रहस्य है जो कि आपके जीवन को किस तरीके से कब परिवर्तित कर देगा, अपनी बुरी से बुरी दशा में भी किस तरीके से आपके जीवन में बेहतर से बेहतर फल देने का कार्य करेगा, ये कहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल एक ऊँट की तरह है कि वो किस करवट बैठेगा ये पता लगा लेना कई दफ़े आपके लिए एकदम टेढ़ी खीर साबित होती चली जाती है। ये कहने को छाया ग्रह है, लेकिन इसका प्रभाव छाया के रूप में ही इतना प्रबल होता है कि जो मुख्य ग्रह है उनकी भी कार्य शक्ति जो है और कार्य करने की जो क्षमता है उसे शिथिल कर देने का कार्य करता है। यहाँ से कुछ जो भी आपके मुख्य जो भी लाइंस हैं और जो भी रेखाएं हैं उनका ये पथ है, यानी कि उनका ये सिल्क रूट है, यहीं से होके गुजरेंगे तो उस सब पर राहु का प्रभाव उसी तरीके से देखने को मिल जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित कौन होता है, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और आपकी हृदय रेखा, और इन तीनों के बिना आपके होने का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। इस क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करती है मस्तिष्क रेखा, उसके बाद अगर वो किसी भी प्रकार से लहरदार हो गई है, यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ झूलना शुरू हो गई है, दो से तीन रेखाओं में विभक्त होनी शुरू हो गई है, तो आपके करियर में रुकावट और आपके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चनों को पैदा करने का काम आरंभ कर देगी। इसके अलावा अगर ये पूर्ण तौर पे नीचे की तरफ झुकती चली गई है तो ये मानसिक विकारों को दर्शाती है, जिस समय आप एक खास प्रकार की मानसिकता में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे जो कि लीगल नहीं होगा, जो कि एक तरीके से सामाजिक रूप से जिसे सही नहीं माना जा सकता है, वैसी परिस्थिति की तरफ आपका झुकाव बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके अलावा इसके अगर दो से ज्यादा शाखाएं हो जाएंगी तो उसके अनुरूप इसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आपके जीवन में इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे कि जब दो मुखी होती है तो क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, त्रिमुखी होने पे उसका क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा जब नीचे से आपकी भाग्य रेखा आगे की तरफ जाती होती है और इस क्षेत्र में अगर कहीं से भी खंडित हो जाती है तो निश्चित तौर पे आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं राहु के भरोसे हो जाती है और राहु की एक बेहतर स्थिति उस समय में उस कालखंड में आपके लिए बेहतर होना आवश्यक होता चला जाता है। अगर इस क्षेत्र को किसी भी प्रकार से कहीं से भी किसी वर्ग ने यानी कि स्क्वायर ने कवर कर लिया है तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो कम से कम हो जाएंगे और इसके जो सुप्रभाव हैं वो आपके जीवन की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होती है तो राहु के भरोसे वहां पर आपकी जिंदगी चलनी शुरू हो जाती है। जब आपके पास पतवार नहीं होता है और आप नाव में बैठे होते हैं एक चलायमान नदी में, वो हवा के रुख पर निर्भर है कि वो आपको किस तरफ भेजने वाली है, हवा मंगल दोनों तरफ से। इनकी परिस्थिति आपके लिए यहाँ पर बहुत ही नाजुक मोड़ पर काम में आती है अगर इनकी परिस्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि इनकी पकड़ इस क्षेत्र पर बहुत ही बेहतरीन होती है। ऊपर की अगर बात करें तो सबसे जो कमज़ोर पकड़ होती है वो सूर्य की होती है, राहु के इस क्षेत्र में बिल्कुल भी पकड़ नहीं। अगर राहु यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है तो ये अपने तरीके से आपको ज़िंदगी के सारे सुख दे देंगे, लेकिन सूर्य कितना भी बलवान यहाँ पर हो और राहु अगर यहाँ पे बलशाली हो जाएगा तो ये उसकी शक्ति को एकदम चूस लेगा। जैसे जोंक एक पानी का कीड़ा होता है वो आपके खून को पैर में लग जाएगा तो चूसना शुरू कर देता है, उसी तरीके से ये चूस लेता है।
तो ये उन परिस्थितियों को आपके लिए मुश्किल कर देगा जब जीवन में आप सफलता, प्रसिद्धि, मान सम्मान और शांति की खोज में घूम रहे होंगे। इसके अलावा शनि का जो क्षेत्र है, इनके साथ इनकी मित्रता की स्थिति बनी होती है और कहीं ना कहीं एक स्वामी के जैसे इनकी यहाँ पे मान सम्मान राहु करता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि शनि अगर आपके लिए यहाँ पर बलवान है तो ये ऑलरेडी शिथिल हो जाएगा, और ये जब शिथिल हो जाएगा तो अगर सूर्य अच्छा है तो इसका भी प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, बुध का भी प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। गुरु की अगर बात करें, हथेली के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं, तो गुरु इन सबसे थोड़े से अलग हैं और उदासीनता का भाव यहाँ पे राहु का इनकी तरफ से रहता है, तो इस पे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन परोक्ष रूप से ये कुछ ना कुछ व्यवधान ये पैदा करते होते हैं। सामने सामने कोई एक दूसरे से मिलता नहीं, लेकिन पीठ पीछे ये अड़चने पैदा करने में अगर मौका मिलता है तो कोई ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देते हैं, वैसे अड़चने पैदा करते हैं। तो कुछ परेशानियां आपको आ जाएंगी, कैसे, लेकिन वो जो परेशानियां आएंगी ना, वो सेकेंडरी आएंगी, यानी कि प्राइमरी नहीं होंगी। जैसे समझ लो कि मुख्य काम है क्या, जॉब लगना, जॉब लग जाएगी, वहां पे काम करने में परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। शादी में प्रॉब्लम हो रही है, शादी हो जाएगी, शादी वाले जीवन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तबीयत बड़ी खराब रह रही है तो तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन छोटी मोटी पेट में गुड़गुड़ हमेशा लगी ही रहेगी। तो इस सेकेंडरी रूप से ये अपना प्रभाव यहाँ पे दिखाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे ग्रहों क्षेत्रों की स्थिति अच्छी रहेगी। जैसे मंगल यहाँ पे अच्छा है, मान लो सैटर्न की स्थिति अच्छी है, यहाँ से आपकी वीनस से लेकर मून तक की सिचुएशन अच्छी है, तो क्या होगा, शुभ कर्तरी योग का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये जो भी है ना, सिसिल भी है ना और कमजोर भी ये पर्वत क्षेत्र है ना, माफ कीजिएगा, ये रेखाएं यहाँ पे कमजोर भी है ना, तो भी ये बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से काम करेगी और बहुत बेहतर काम करेगी, ठीक है। इसका प्रभाव बड़ा बेहतर होता चला जाता है। इनफैक्ट ये अगर जीवन रेखा कहीं से टूटी फूटी हो तो उसके जो दुष्प्रभाव है वो दुष्प्रभाव भी नहीं आएंगे, उसके भी शुभ प्रभाव ही आपकी तरफ बढ़ने शुरू कर देंगे, तो ये सब यहाँ पे लाभ हो जाता है। इसके अलावा जितनी गहराई रहेगी आर्थिक तौर पे आप उसी प्रकार से उन्नति जीवन में करेंगे, और आपकी आपका एक दबदबा लोगों के बीच भी अच्छा खासा बना रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप पीछे की तरफ कभी नहीं होंगे, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हालांकि आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी तीव्र हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, आप जितने में होंगे ना उससे बहुत ज्यादा पाने की इच्छा हमेशा आपके आसपास होती है और आप सोचते होते हो। लेकिन अगर उस समय आपने सावधानी के साथ कदम नहीं बढ़ाया तो कई दफे आपके लिए लड़खड़ाने के मौके बन जाते हैं। तो जब भी ऐसी कुछ चीजें हो तो निश्चित तौर पे आपको सूक्ष्म विश्लेषण में जाना चाहिए, और उसको पाम बोथ पाम एनालिसिस करके और इन चीजों को डिक्लेयर आप कर सकते हैं कि चीजें किस तरीके से आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और क्या आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स भी बनते हैं, उसे भी देखना आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि आपकी जीवन रेखा से बिल्कुल लग के यहाँ पे ट्राइडेंट की स्थिति आपके लिए बनेगी, ट्राइंगल की स्थिति बनेगी, ये सारी स्थितियाँ शुभ है क्योंकि जीवन में नए मौके जीवन को शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी जब ऐसे ऐसे निशान बनेंगे, ये भी उस खास कालखंड में आपके जीवन की प्रगति को दर्शाने का कार्य करते हैं, इन्वेस्टमेंट के मौकों को दर्शाने का कार्य करते हैं। ये सब कुछ ऐसे मौके हैं जो कि ऑप्शनल हैं, इसे आप ये सीधे आएंगे नहीं आपकी झोली में। आप उस समय, जैसे कई दफे आपने देखा होगा कि आपके जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्या आप ये करना चाहते हो, उस समय आप वह पोह में पड़ जाते हैं। ये वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि आपके पास आती है, आपके पक्ष में होती है, लेकिन कई दफे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता कि हम इन चीजों को कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके अग्नि तत्व ग्रह हैं ये जिम्मेदार होते हैं, आपका सन जिम्मेदार होता है। ये अगर कहीं से भी वीकनेस को प्राप्त हो चुका है, कहीं से भी वीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं, इसमें जाना अच्छा नहीं रहेगा, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये वो अच्छे मौके होते हैं जो बार बार, जैसे कि आप कैंडी क्रश खेलते होंगे या बहुत सारे मोबाइल के एप्लीकेशन, तो बीच बीच में एक अच्छा पॉइंट लेने वाला कुछ आता है ना, उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि ये सब पॉइंट वाले हैं, आप लो या नहीं लो ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है, और स्वविवेक भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सही पूछो तो वो सब भी ये लोग ही कंट्रोल करते हैं। तो ये निर्भर करता है कि किसने कैसे दिया और किसकी सिचुएशन कैसी बन रही है। मेरी बातें बहुत उलझा रही होंगी आपको, लेकिन जिंदगी को सुलझाना है ना तो बड़ी उलझी उलझी चीजों में ही घुसना पड़ेगा आपको, तभी जाके सुलझी चीजें निकलेंगी, नहीं तो जिंदगी भर सो कॉल्ड लॉट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब पर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बेसिकली यूट्यूबर्स, फेक, कुछ नहीं जान पाओगे कभी, ठीक है। तो समझो
जो ऐसी चीजें जब भी मिले ना, अच्छे अच्छे सिंबल है लेकिन काम नहीं करे, नहीं, ये आपकी अपॉर्चुनिटी को दर्शाते हैं जो कि उस कालखंड में आपको मिलते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आप कहीं ना कहीं उतना बिलीव नहीं कर पाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो मौके आपसे चूक जाते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, लड़का बड़ा बढ़िया था, लड़की बड़ी बढ़िया थी, जॉब बड़ा अच्छा था, जमीन बड़ी अच्छी थी, घर बड़ा अच्छा था, गाड़ी बड़ी अच्छी थी, हमने मिस कर दी। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी हमारी कहाँ जा रही है, हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। आप सब कुछ नहीं सोच सकते हैं। जैसे मान लो आप कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, मैं नहीं हूँ, तो आप जितनी बारीकियाँ से मुझे वो चीज़ें बता सकते हो उसके बारे में, मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के विषय में मैं जैसे बता सकता हूँ, आप उतना आप नहीं जान सकते, आपको उतना ज्ञात नहीं होगा। तो जो जहाँ का ये हो, समन्वय होना चाहिए ताकि सबकी सही तरीके से सबको उसके बारे में पता होता रहे, उनकी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होती रहे। तो इस तरीके से आपको इसका लाभ जीवन में मिल जाता है और उसके संबंध में आप जान पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ से रेखा आप देखेंगे, छोटी छोटी महीन महीन रेखाएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं, बीच में टूट रही हैं, हट रही हैं, ये सब मानसिक बदलावों को दर्शाने का कार्य करती है। जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे ही आपकी मानसिकता बदलती होती है, स्वभाव बदलता होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखाती है। इसके अलावा व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब में जो बार बार चेंजिंग हो रही है, जो चीज़ें नित्य बदल रही हैं, उन्हें दर्शाने का कार्य करती है। इसके द्वारा आप काफी कुछ जान सकते हैं जिंदगी के बारे में, वैसे बहुत सारे गहरे छुपे हुए राज जो कि बिल्कुल आपकी जिंदगी के पन्नों को खोल के रख दे। क्या कुछ नहीं है इसमें। इस वीडियो के द्वारा आपने काफी कुछ जाना, आगे भी ऐसी कुछ वीडियोज राहु के क्षेत्र पर आएंगी जिससे आप कुछ और भी इन चीजों के बारे में बेहतर जान सकें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।